में जाना है, दो तीन महीने में जॉब आपकी है, ठीक है, और वहां साहब बोल दीजिए कम्युनिकेशन आपको अच्छा करना है, तो क्या करोगे आप? अरे कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या करोगे, कम्युनिकेशन कैसे सुधारोगे बताइए? बड़ी कंपनी में जाना है, दो महीने के अंदर प्लेसमेंट है। आपको शायद पता नहीं कि इंफोसिस का, जेंसार का, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के प्लेसमेंट ड्राइव्स होते हैं, दो तीन महीने का समय मिलता है और उसमें लिखा ही रहता है कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सेलेंट कम्युनिकेशन। क्या कर रहे हो कम्युनिकेशन? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है, और क्या करोगे? हाँ क्लियरिटी अपनी कम्युनिकेशन में लाओ, और क्या करोगे? एजुकेशन को दूर करना, और क्या करोगे? कॉन्फिडेंस को लाना है, ठीक है, और कुछ और कौन से? काइंडली बोलने, वेरी गुड। ये सब चीजें आपको, देखो सीधी सी बात है कि भाई जॉब में जाना तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा जॉब में मांगी जाती है, तो आपको ये 8-10 पॉइंट जो यहाँ पे आपने बात की, तो इन पॉइंट्स को क्या करें, सुधारें, ठीक है। और मेरे तरफ से भी एक पॉइंट है, कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए आपको ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा रोज बोलना, हर जगह आप खुद बोले, ये नहीं कि आपको मम्मी पापा बोल रहे या आपके फ्रेंड बोल रहे, आप बोलिए ना, हेजिटेशन का पूछता है। दूसरा एक्सरसाइज आपकी ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, तीन एक्सरसाइज आपने कराऊंगा, ज्यादा नहीं, तीन एक्सरसाइज केवल है। सेकंड एक्सरसाइज आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको ये ध्यान रखना कि किसी भी बड़ी कंपनी में रहने के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर आपको होना चाहिए। इसके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लेट अस मानिए कि आपका कलेक्टर का एग्जाम जो है वो निकलने वाला है या निकल गया। अब आपको पता है कि कलेक्टर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, उसके सामने हजारों प्रॉब्लम आते हैं। क्या हर प्रॉब्लम के लिए वो सीएम साहब को या महापौर को या पीएम को फोन करेगा कि खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? खुद सॉल्व करके, भाई आपको कलेक्टर बनाया गया जिला का, तो आप ये बताइए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कितने एक्सरसाइज हमने कर दी। अब कलेक्टर की जॉब लगने ही वाली है, पर हमें घर के तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहे, हम जिले के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। सर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ बताइए। सर एक कलेक्टर थे, वो मतलब डेली एक अम्मा थी, उनकी शॉप से फूल लेती, फूल बेचती, हाँ, वो उनको अपने बेटे के जैसे मानती थी, ठीक, और वो माँ जैसे मानते थे। तो अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि आपको यहाँ जितने अतिक्रमण है सबको हटाना है, हाँ, उस अतिक्रमण में उस अम्मा की भी दुकान आ रही थी, ठीक। तो अब उनको दोनों है भाई, उसको भी देखना है कि इसका रोजगार नहीं चलेगा मेरी माँ जैसे, और गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि अतिक्रमण को भी हटाना है, तो उनके सामने तो दोनों प्रॉब्लम है। आगे भी प्रॉब्लम, एक तरफ दिल के रिश्ते भी है और तरफ सरकारी ऑर्डर। क्या क्या किया क्या? उन्होंने उनको फिर समझाया बुझाया और कहीं से कराया, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपने ये चीज बताई। अब ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बड़े पद की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रॉब्लम और चैलेंजेस है। आपने क्या अपने माइंड को तैयार किया? कैरेक्टर बनना सबको है, कैरेक्टर फिर वही देख लो, सैलरी बहुत है। आप सबको क्या अपना रेलवे का डीआरएम बन रहा, कई लोग तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे एक दिन, ये भी मान लीजिए देश का प्रधान भी एक दिन बनेंगे। ये बताओ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितनी तैयारी कर ली आपने? प्रॉब्लम है चैलेंजेस है, yes। संस्था को हम और सचिन सर चला रहे हैं तो क्या चैलेंजेस नहीं हमारे सिर पे? प्रॉब्लम्स है कि एकदम फ्री ऑफ माइंड चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स है तो हमने तो तैयारी कर ली, आपने क्या तैयारी की बताओ अपने जगह में बैठ के? क्या तैयारी की? प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने क्या तैयारी की आपने? ये एक्सरसाइजेस है। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएंगी तो क्या करोगे? क्या करोगे? कलेक्टर बनना है, दो महीने में ज्वाइनिंग भी देंगे। अपने माइंडसेट ऐसा बनाएंगे कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसको हम फेस कर पाए और सामना करने की सर ताकत हो, और विचार ऐसे आए मन में कि हाँ मतलब ये करना चाहिए जो सही है। आप बताओ अगर मान लो किसी कंपनी का सीईओ आपको बनाने का ऑफर आपको आ गया और एक महीने में ज्वाइनिंग है, प्रॉब्लम तो हजारों आएंगे, टन टन के प्रॉब्लम आने वाले हैं, क्या तैयारी आपकी? सबसे पहले तो समझेंगे प्रॉब्लम है क्या। अभी अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइंडसेट कैसे बनाओगे कि प्रॉब्लम आएगी जिस दिन बैठोगे? एक महीने है, एक महीने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर कैसे बनाओगे? हमें पहले तो सबसे कम्युनिकेट अच्छे से करना है वो, और उसके ऊपर से अगर मान लो टीम में मतलब कंपनी में जो कुछ भी होता है उसका नॉलेज रखना है, इन्फॉर्मेशन रखना है कि वो क्या रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और उस बारे में सोचना है। एक और जैसे पोस्ट आपको दे रहा हूँ, ये हमारी आकांक्षा को देना है। मान लो कि आकांक्षा को एक दिन के लिए विस्तार का सीईओ बना दिया गया, ठीक है, एक दिन के लिए आप सीईओ हो, हमारे सर्विस एक दिन के लिए थोड़ा सा शिमला घूमने चले गए, तो और उसी आपको उस दौरान ये कहा गया कुछ भी प्रॉब्लम आप सॉल्व आउट करना है, माइंडसेट क्या है आपका? एक दिन के सीईओ माइक में बोलो,
और वो प्रॉब्लम तुम्हें बता भी नहीं कौन सी है प्रॉब्लम तुम्हें क्या पता हम और सचिन सर शिमला घूमने निकल गए सीओ एक दिन के लिए आपको बनाया और हर दिन प्रॉब्लम आती हम दोनों से ये मत सोचो प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के लिए माइंडसेट क्या आप पे क्या काम किया आपने आपने कहा यस सर एक दिन का सीओ 15,000 रुपए सर को लेके देंगे ठीक है तो 15,000 पे फोकस है प्रॉब्लम जो है उसमें फोकस ही नहीं था क्या करोगे ठीक है लेगा एक दिन के लिए सीईओ आपको डिसीजन भी आपको लेना ठीक है और अगर गलत डिसीजन हुआ तो दूसरे दिन आप ही ना सुबह सुबह वापस लेकिन सर पहले उस प्रॉब्लम को समझेंगे तभी तो डिसीजन लेंगे ठीक है अगला कोई आप में से कोई भी एक पकड़े मान लीजिए कि आपको इकट्ठे जाते जाइए अगर कोई भी करो ना वो ठीक है हाँ और आपको मैं क्या बना रहा हूँ पहले आप समझ लीजिए आपको एक दिन के लिए मान लीजिए पूरे मध्य प्रदेश का सीएम बना दीजिए ठीक है पूरे एमपी के प्रॉब्लम आपको सुनने कलेक्टर साहब पे चलाने वाले ध्यान रखिएगा ये सब क्या करेगा नायक पिक्चर टाइप नायक पिक्चर टाइप सर पहले तो अपनी टीम से प्रॉब्लम सुनेंगे कि प्रॉब्लम क्या है खुद पहले तो और 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए एक दिन के और रात 12 बजे फिर दूसरा वही आपको आप लोग नायक फिल्म को देखिएगा यहाँ पे वर्क में देख रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग नायक फिल्म का अच्छा लेकर उन्होंने बताया आप किस तरीके से 24 घंटे में बंदा एक्शन लेता है 24 घंटे का सीएम मात्र था एक उसमें चीज बताई गई नायक फिल्म तो कई बार देखे होंगे नायक फिल्म का रानी कुमार जी के साथ रोमांस शुरू याद होगा लेकिन जो एक घंटे का जो उसने जो दिमाग लगाया था सीएम बनकर एक घंटे 24 घंटे में उसने इतने बड़े बड़े फैसले ले डाले कि आप लोग को लेने के लिए कभी माइंड सेट ही नहीं बनाया लेट कैसे हो गए बोले एक अम्मा को सड़क पार करा रहे थे बोले अच्छा अच्छा था बोले फिर और कैसे लेटे बोले अम्मा सड़क पार करा ही नहीं रही थी ठीक है और पांचवी चीज अगर मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छी आपकी किस्मत है आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर बन गए पूरा जोन आपको संभालना है और जॉइनिंग लेटर भी आपके हाथ में आ गई है और आप अभी इस स्थिति में बैठे हो कि घर भी नहीं समझता आपसे घर के प्रॉब्लम में भी आप मिल जाते हो एमएनसी यानी पूरे 32 से 34 देशों में आपको उसको संभालना है क्या माइंडसेट आपने तैयार किया कई बार किस्मत दे जाती बहुत ऊपर तक तो दिमाग तैयार है प्रॉब्लम सॉल्व के लिए तो कछु तैयार ही नहीं है घर में गैस खत्म हो जाता है तो चिड़चिड़ होने लगती है और 34 देशों का एमएनसी संभालना क्या करोगे बताओ What is mindset? शैंकी के हाथ में शैंकी बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं शैंकी बताइए अब शैंकी को 34 देशों का डायरेक्टर बना दिया गया मल्टीनेशनल कंपनी में संभालो सीईओ आप हो आज से एक दिन के लिए सर पहला माइंडसेट हमारे ये रहता है कि हम बैकआउट नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एनी हाउ हमको वो 34 अब हमारा माइंडसेट अब हो जाए ना खुद को पहले मेंटली प्रिपेयर करें कि 34 स्टेट्स को पहले हमें संभालना है कैसे भी हो उसके बाद हम अपने लिए टीम लीड कर सकते हैं अपनी जो एक पर्टिकुलर 10-20 जितने लोग हैं उनको टीम बना रहे कि अकेले हम एक अगर हम डायरेक्टर तो हम तो कर नहीं सकते हर एक जगह का पर हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देख सकते हैं जो उतने एरिया को हमें बता पाएगा फिर एक एट द एंड ऑफ द डे हम उससे रिस्पॉन्स लेके फिर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान को ठीक है तो इसके तालियां शंकी के लिए शंकी ने एक बहुत अच्छी बात बताई अपनी टीम भी तो बनाओगे सब मालिक बनने का सोच के टीम बनाना किसी को है नहीं मिला अकेले तुम दौड़ लोगे जो पुलिस लोगे कि टीम बनाओ शैंकी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं जब सीट पर बैठी तो पहले मुझे भी टीम चाहिए क्योंकि मैं हर जगह अकेले नहीं दौड़ सकता और उन टीम को मुझे लीड भी करना जो आज का टॉपिक ही था कि टीम मैनेजमेंट ठीक है अब फाइनल जो लास्ट एक्सरसाइज आपका है डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज सर एक एग्जांपल मैं हां एक एग्जांपल दे दो सर जैसे मान लो मुझे किसी जगह का एसडीएम या कलेक्टर बनना है और मुझे पता है कि ये एरिया बाढ़ ग्रस्त एरिया और आने वाले समय में बारिश होगी और नदी में बहाव आएगा और बाढ़ आने वाली है तो मुझे उसके लिए एक महीने पहले से अपनी तैयारियां करनी पड़ेगी रेस्क्यू टीम कहाँ लगानी है किसको राशन बांटने का काम देना है किसको समझाना है कि वहां से लोगों आप लोगों को हटना पड़ेगा जाना पड़ेगा कि भाई हर बार जैसे बिहार में कोसी नदी बाढ़ लाती है फिर भी लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपको वहां से हटना पड़ेगा और पुलिस वालों को काम बांटना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को उसका काम देना पड़ेगा कौन अस्पताल जाएगा कौन रेस्क्यू करेगा कौन उनको निकालेगा कौन इलाकों में फूड सप्लाई करेगा तो सर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी तो ये उसको समझेंगे तो बहुत बढ़िया थाली है
और यहाँ पे देखिए मेरा मेन मोटिव एक्सेस कराने का क्या भाई देना, मेरा मेन मोटिव देखिए एक्सेस कराने का क्या है, सिर्फ सुनो मत, आप एक्सरसाइज भी करो, देखो तो कि करे क्या, क्योंकि प्रॉब्लम अगर कोई भी बड़ी अगर आपको जॉब करनी है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके अंदर होनी चाहिए। और थर्ड एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको चीज क्लियर बता दे रहा हूँ, ये भूल जाओ कि तुम प्रॉब्लम्स में फंसोगे तो तुम्हारा बॉस तुम्हारी मदद करेगा, उल्टा और आपको फायर आउट करेगा। सर अभी मैं एक चीज सुन रहा था, उसमें बोला था कि एक सांप सीढ़ी खरीद के लाया एक बंदा, तो पूरी सांप सीढ़ी में तो कुछ था ही नहीं, तो बोला अगर वापस करने गया भैया उसमें सांप ही नहीं है। तो प्रॉब्लम वही है कि अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो हम सांप सीढ़ी खेलेंगे कैसे, बोले जब सांप सीढ़ी में सांप ही नहीं है तो मतलब क्या है लाइफ का, यही है कि प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी, आपको कैसे सांप सीढ़ी पार करके 100 पे पहुंचना है वो आपको देखना है। ठीक है, तो हमने अभी दो एक्सरसाइजेस की, कम्युनिकेशन एक्सरसाइज में मैंने आपको ये बताया कि आपको जॉब पे जानी है तो बोलना तो सीख लो, बोलने के लिए रोज प्रैक्टिस करो भाई, और बहुत सारे पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग उससे भी जरूरी, क्योंकि आप जिस दिन सीट में बैठोगे आपकी सीट की प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मैं आपको बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। सबसे बड़ी बात है चाहे वो 1 लाख रुपए ले रहा हो, चाहे 2 लाख रुपए, चाहे 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सैलरी ले रहा है, बाकी काम की सैलरी ले रहा है। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने रखा, ठीक है, अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा मैं फिर दूसरे को दे दूंगा। तीसरा एक्सरसाइज है डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज, निर्णय लेने की। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आप सबको बहुत बड़ी जॉब में जाना है, आप सभी कहीं ना कहीं तो माइंडसेट बना के रखो कि बहुत बड़े पद में बैठेंगे, 1-1.5 लाख रुपए कमाएंगे, शानदार मकान होगा, शानदार गाड़ी होगी, दुनिया के सारे ऐशो आराम और सारे खाना पीना हमारे पास होगा, बस कोरोना ना आए, बस ठीक है, बस कोरोना ना आए, ये भी अभी है। ठीक है, जब बात आती है इतने बड़े पद में आप पहुंचोगे तो उस पद में ध्यान रखना प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन के साथ डिसीजन मेकिंग भी आपको करनी है, आपको निर्णय भी क्या करनी है, खुद लेनी है। क्या आपने अपने माइंडसेट को निर्णय लेने के लायक बनाया? सर इसमें मैं एक एग्जांपल की बात थ्रू बताऊं। हाँ बताएं। जैसे अभी अपन ने देखा कि जबलपुर में बहुत सारे जो बड़े बड़े गुंडे थे या गैंगस्टर थे, उनके जो अवैध मकान थे उनको तोड़ा गया। हाँ। अब कलेक्टर का एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आपको इनके खिलाफ वो करना है, लेकिन अपोजिट पार्टी भी आपको बोल रही है कि आपको हम कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं, आप इनकी वो मत करिए। लेकिन जैसे धर्मेंद्र जोन के रहा जो भी उन्होंने टोड़े मकान, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि भले मैं अपनी पोस्ट खो दूं, लेकिन जो अवैध बनाए हैं गुंडे, तो हमें इनके जो अवैध मकान है या वो काम कर रहे हैं गलत, तो उनको हमें बंद कराना है अपने जिले से। अब ये देखिए बहुत अच्छी बात है, फिर से डिसीजन लेकिन की, तो अब आप लोग के बीच में माइक में ला रहा हूँ, ये लास्ट एक्सरसाइज में आप ये बताएं कि जिंदगी में बहुत बड़े बड़े डिसीजन आपके अब आने हैं, और सैलरी ध्यान रखकर डिसीजन के लिए भी दी जाती है, ये नहीं कि मैं 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा और डिसाइड मुझे ही करना है सब कुछ, तो मैं आपको क्यों रखूंगा, जैसे कलेक्टर का भी आ जाएगा सब कुछ सीएम को ही करना, तो कलेक्टर का क्यों रखे, फिर शिवराज जी करे खुद सब कुछ, फिर हर जिले के हर स्टेट के सीएम ही फिर दिन रात परेशान रहे, तो डिसीजन लेने की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ किया आप लोग ने आज तक? बताओ क्या किया, डिसीजन लेने की ताकत कैसे बढ़ानी, वो तो डिसीजन लेना ही आप कहते हैं, कैरियर मेकअप तो आप लोग डिसीजन लेने ही पर सारे गलत डिसीजन लिए, आज कैरियर आप लोग की तबाह होने के कैरियर में खड़ी होगी। दसवीं के बाद भी डिसीजन था, सबसे पहले डिसीजन दसवीं के बाद था, तब भी फेल हुए थे, कॉलेज में भी फेल हुए। सर कौन से स्कूल में पढ़ना है ये डिसीजन, ये भी तब नहीं लिया, कॉलेज कौन सा जाना था ये नहीं पता था, आईआईएम में जाना, आईआईटी में जाना या नॉर्मल एक थर्ड क्लास कॉलेज में जाना था, सब डिसीजन गलत की ली थी, हमें तो पता था, जिन्हें डिसीजन सही लिया उस समय आईआईटी में पढ़ रहा बैठा, वैसे बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, आपके डिसीजन तो फेल थे, आप क्या कर रहे हो आगे के लिए, डिसीजन की ताकत कैसे बढ़ाओगे, बताओ क्या सोचा डिसीजन के लिए? सबसे पहले तो मैं घर में डिसीजन लेना स्टार्ट करूँ, सबसे पहले अगर मम्मी पापा नहीं है कुछ काम हमें बोलकर जाते हैं के करना है, अगर हम मतलब घर का राशन खत्म हो गया है, मम्मी पापा पैसे देकर जा रहे हैं, अब पता चले मम्मी पापा ने तो बता दिया तो खत्म ही है, साथ में एक चीज और खत्म है, तो क्या करो, तो हमें डिसीजन लेना है कि इसमें से कौन सी चीज हम कम करके वो चीज को ला सकते हैं। देख लो बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो घर से डिसीजन लेना सीखो, आप बताओ जल्दी जल्दी माइक ट्रांसफर करते जाओ, आप कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा ठीक है, जो करो जो भी करो सर, माइंड अपना चलाने के लिए सर माइंड सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी रहना जरूरी है। नहीं तो डिसीजन पावर आपकी कैसे बढ़ रही है? डिसीजन पावर हमारी तभी बढ़ती है जब हम उस बंदे के ऊपर से रिलायबिलिटी, बच्चों को घर में छोड़ के आती ताला लगा के, ये डिसीजन पावर है, ये भी एक अच्छी डिसीजन पावर है। पति से आप नहीं बोलते, अगर ताला लगा नहीं पति को भी नहीं पता, उनको पता है, अच्छा उनको पता है, लेकिन पूछते नहीं, हमारा फैसला है, बहुत बढ़िया।
आकाशा तुम डिसाइड कैसे करोगी, कोई डिसीजन पावर ले सकोगी, बताइए डिसीजन पावर के बारे में। अगर मान लीजिए कि आपको कोई पद आपको मिल जाए उसको भयंकर डिसीजन है, जैसे कलेक्टर के पद की बात होगी, तो डिसीजन पावर अगर अच्छा नहीं तो कलेक्टर कहाँ से बनेगा। देखिए जिसका डिसीजन पावर मेकर अच्छा है ना वो सफल है आज के समय में, तुरंत डिसीजन लेता भाई करना नहीं करना छोड़ो बात खत्म। हाँ या ना, मैं ज्यादा फंसना नहीं है, क्या क्या करोगे ये डिसीजन पावर को क्लियर करने के लिए। हाँ अपने लेवल, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट समझ में आया कि लोग ना जरा जरा से डिसीजन अपने माँ बाप से पूछते हैं, मम्मी मेरे को वहाँ जाना, पापा मेरे को जाना, गलत काम के लिए कभी नहीं पूछेंगे। आज घुमा, आज मेरे को कोचिंग से गोल मारना तो नहीं पूछेंगे, मूवी जा रहे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पापा और किसी भी में एक चीज है, जैसे स्पोर्ट्स में आप लोग कई लोग गलती करते हो, आपको ये नहीं पता कि किस स्पोर्ट्स का कैरियर बने, पापा ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, आपका मन इंजीनियरिंग में है ही नहीं। हाँ वो शर्मा जी गलत कर रहा है, तुम भी कर लो। हाँ तो भाई आप अपना सोचो ना, कैरियर आपका कल खत्म हो जाएगा, क्या कर लोगे, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं। सर पहले तो अपन को उस चीज को समझना पड़ेगा कि डिसीजन किस फील्ड में लेना चाह रहे हैं। हाँ ये भी बहुत बड़ी बात है, हमें आगे आने वाली समय में उसका क्या मतलब, जैसे मान लो हमें किसी चीज को पढ़ाई करना है तो उसके आगे आने वाले क्या स्कोप है, क्या जॉब है, कैसी वैल्यू है इस चीज को काम करने में, तो वो चीज हमें डिसीजन लेने में और ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, उसके आगे और पीछे का हमें पता होना चाहिए, तो ये चीज आपको बहुत पता होनी जरूरी है कि हम डिसाइड खुद करेंगे तभी समझ में आएगा कि हमने फ्यूचर को सुधरेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप चाहे छोटे छोटे डिसीजन खुद लो, सलाह लो, लेकिन वो डिसीजन खुद ही लो। सर जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो और भी लोग देख के उनको करने लगते हैं, बस लेकिन आप अपना पैशन देखो ना, चार साल में होने के बाद पता चलता है कि यार मैंने इंजीनियरिंग करके गलत किया, मेरा पैशन ही नहीं था, मेरी रुचि तो एग्रीकल्चर में थी, मुझे बीएड करना था और कुछ भी करना था, तो उसको आजकल ये बहुत जरूरी है भी है। सर जो टेंथ के बच्चे होते हैं या ट्वेल्थ के बच्चे होते हैं उनको आगे डिसीजन लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, वो या तो घर वालों का प्रेशर या किसी दोस्त को देख के वो चले गए, तो वो भी हमें सिखाता है कि हम अपने डिसीजन को कैसे सही लें, वो बहुत जरूरी चीज है। सर इसमें गलती हमारी है, हम आगे नहीं होते, मतलब अगर मम्मी पापा ने कह दिया कि इंजीनियरिंग करना है तो हम खुद ही क्लियर नहीं रहते सर कि इंजीनियरिंग करना है, वो भी नहीं कर पाते, उन्होंने ना आगे देखते उसका स्कोप है, चार साल में हमारे साथ क्या होगा, वो बिना देखे हम आंधी दौड़ में दौड़ते हैं बस। और इसका नुकसान आप लोग देख ही पा रहे, जो आज जो बेरोजगारी बढ़ी है, अगर आप ध्यान से देखें इसका कारण क्या था, डिसाइड ही आपने शुरुआती तौर में गलत ले लिया, अगर सही डिसीजन लेते तो क्या बेरोजगारी रहती इतनी, रहती नहीं, आपने जो फील्ड पकड़ा उस फील्ड में आपको रुचि थी नहीं, जिसमें थी उसको छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात है गलत डिसीजन लेते हो तो माँ बाप से नहीं पूछते, सही डिसीजन लेते हो तो 10 बार माँ बाप से पूछते, ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे अभी आईएएस फर्स्ट रैंक होल्डर है शिवम कुमार बिहार के, तुमने अपना 9th और 10th क्लास से ही गोल बना लिया था कि मुझे ये एग्जाम को फोकस करना है, तो उन्होंने 11th 12th दमी स्कूल से पास किया और दिल्ली का बढ़िया तैयारी की और फर्स्ट सेकंड बार में, जैसे अपने भोपाल में खेल में जॉब करती थी जानवी नाम है, क्या नाम, सेकंड रैंक मतलब गर्ल्स में, तो भेल कंपनी में वो नौकरी करती थी, 90,000 सैलरी थी उनकी, लेकिन उन्होंने डिसीजन दिया कि मुझे भाई प्रशासनिक सेवा में जाना है और कुछ करना है, तो उन्होंने अपनी रिजाइन दिया भेल से, और वो इंजीनियरिंग उसमें थी, हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी, तो उन्होंने फिर तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में वो पास हो गए। अब देखो उनका डिसीजन, तो डिसीजन की ताकत थी उनके पास, और डिसीजन अगर तगड़ा था तो 2 अटेम्प्ट में निकल गए, या तो 10 अटेम्प्ट में कई लोग हो चुके होंगे, दे ही जाए एग्जाम, पूछो तो बोला हाँ निकल जाएगा, ठीक है निकल ही जाएगा बोले से तो निकल, मतलब इतना बड़ा निकल जाना बोलते हो कि अब निकलते नहीं हो। हाँ उन्होंने डिसीजन के लिए उस कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की वगैरह, ठीक है, तो फाइनली अब यार रेफर भी करते सीरीज को, तो फाइनली कंक्लूजन पॉइंट, देखिए विस्तार फाउंडेशन के द्वारा सैटरडे में हम लोग जो सेशंस और आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसका मेन मोटिव है आपको जागरूक करना उन सभी चैलेंजेस के लिए जो चैलेंजेस आपके आने वाले फ्यूचर में आपके सामने आएंगे, और उस समय आपको ना परिवार से सपोर्ट मिलना है, ना आपके कोई मंत्री सपोर्ट करेगा, ना कोई आपके भाई सपोर्ट करता है, ना बहन सपोर्ट करती है, ना चाचा मामा सपोर्ट करता है, आपको खुद ही प्रॉब्लम से जूझना है, आपको खुद ही जॉब बिजनेस संभालना है, आपको अपने आने वाले फ्यूचर को भी खुद ही देखना है, और कल परिवार सभी के हो जाएगा तो परिवार की भी जरूरतें पूरी करनी है, खुद की जब खुद को लड़ना, इन शॉर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम लोग जो सैटरडे का सेशन करते हैं इसमें आपको इतना आपको टेक्निकली और मेंटली साउंड हम आपको कर रहे हैं,
कि आने वाले समय के लिए आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत करें। आज का जो दो टॉपिक थे हमारे टीम मैनेजमेंट जो मेरे द्वारा लिया गया और डिजिटल मार्केटिंग सचिन सर के द्वारा लिया गया, आप लोग को काफी अच्छा समझ में आएगा कि दोनों में हमने आपको बहुत ऐसी चीजें बताई जो आपकी लाइफ को चेंज करते रहेंगे। और ऐसे ही बहुत हम लोग हर सैटरडे सेशंस कर रहे हैं, तो आप लोग सेशंस में जरूर आए। और साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है विस्तार फाउंडेशन विस्तार इंस्टीट्यूट, इन यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। बहुत सारे वीडियोस भी हमारे सचिन सर के द्वारा लगातार वीडियोस डाले जा रहे हैं जो लाइफ चेंजिंग वीडियोस है। बहुत सारी चीजें जो डेली आपको नहीं बता पाते हम लोग वीडियो में डालते थे, तो उन वीडियोस को भी आप सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और उसमें आप नॉलेज लेते जाए कि क्या हमें अपनी जिंदगी में चेंज करना है। क्योंकि मैंने बहुत बार मैंने आपको कहा है सिर्फ 5 साल मिलते हैं लाइफ को बदलने के लिए। किसके बाद? आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 5 साल आपके पास, आप चाहे 5 साल में बना लो या 5 साल में बिगाड़ के रास्ते में आ जाओ, ये आपके पास रहता है। कहने को लोग कहते हैं कि अभी मरते दम तक हम स्ट्रगल करते हैं, वो 5 साल में समझ में आ जाता है कि आप जीतोगे कि बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हो। ठीक है, तो ये शुरुआत के जो 5 साल आपके चल रहे हैं आपका ग्रेजुएशन, इसको हल्के से ना ले, मजबूती से ले। आज का सेशन आपको होप्सो की बहुत अच्छा लगा होगा, हर सेशन में आप आई और आप सभी को विस्तार परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से दिवाली मनाएं, ठीक है, सुरक्षित रहे। तो 2 दिन की छुट्टी बता, और 2 दिन की छुट्टी रखी गई है विस्तार फाउंडेशन के द्वारा 4 और 5 तारीख का, 6 तारीख से सारे क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी जो है विस्तार परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। आप लोग अपना सुरक्षा भी रखें और वहां भी डिसीजन सही डिसीजन लेके फटाके फोड़े। कौन सा फटाका? ठीक है, कौन सा फटाके कितनी दूरी से फोड़ा ये भी बताओ आपको। ठीक है, तो सब बहुत अच्छा लगा आप लोग सब आए और आप सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला। विस्तार फाउंडेशन परिवार लगातार आपको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, तो आप लोग भी अपना तरक्की करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी अपने वीडियोस को शेयर करें, पॉइंट्स को उनको भी समझाएं, जो नहीं आ पाते उनको भी जरूर बताएं कि यार किसी चीज पे काम करो तब आप तरक्की करोगे। ठीक है, तो आज की सेशन यही ऑफ करते हैं।